अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है डॉक्टर मुर्तज़ा खलील फ्रॉम एनिमल्स नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये आज आपको केस दिखा रहे हैं कंटेजियस कैप्राइन प्लूरोनोमोनिया का, जो कि एक बैक्टीरियल डिज़ीज़ है आपकी बकरियों में और भेड़ों में ये बहुत ज़्यादा हो रही है। इसमें अब सबसे पहले हम उसकी लंग्स की जो है ऑस्कल्टेशन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि उसके जो फेफड़े हैं वो इस बीमारी की वजह से किस हद तक अफेक्ट हो गए हैं। इसमें टेम्परेचर जो है वो 103, 104, 105 तक चला जाता है। ये अब टेम्परेचर हम लेके आपको बता रहे हैं कि इस जानवर का टेम्परेचर कितना है। जानवर बहुत ज़्यादा लिथार्जी हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, जानवर की आंखों में से पानी निकलने लग जाता है और अक्सर क्या होता है कि वाइट अपेयरेंस आ जाती है आँख के ऊपर। और उसके अलावा जानवर खाना पीना कम कर देगा, जानवर कमज़ोर होता जाएगा, खांसी नज़ला जानवर को लग जाएगा। इस बीमारी में ना के जानवर को मोशन लगते हैं और ना ही जानवर का मुंह ख़राब होता है। ये अब उसके बच्चे पैदा हुए हैं, ये आप देख लें कि इसकी जो आंखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि वाइट वाइट हो जाती हैं, क्लाउडी अपेयरेंस आ जाती है, लेकिन आँखों में से नज़र आता है, मगर ये प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें ये भी जो इसके बच्चे पैदा हुए हैं इनको भी ये इफ़ेक्ट आया। अगर ये जानवर वैक्सीन होता तो वैक्सीन शुदा जानवर के अगर बच्चे पैदा होते तो उनमें ये प्रॉब्लम ना आती। इसलिए हम आपको गाइड करते हैं कि आप लोग हमारे साथ कंसल्टेंसी में रहें, हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे ताकि आप इस फार्मिंग को अच्छे तरीके से कर सकें और बीमारियों से बचें। शुक्रिया।